नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इंडिया गठबंधन को और खासकर कांग्रेस पार्टी को दूसरा झटका दिया है। जी हाँ, पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और 5 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई। कुल मिलाकर अब तक जेडीयू की तरफ से 10 नाम सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल मध्य प्रदेश के चुनाव में कई दल अपना भाग्य आजमाएंगे, लेकिन बिहार से सत्ताधारी दल जेडीयू की चुनाव लड़ने की तैयारी पहले से थी। इस लिस्ट में जो 5 नाम और सामने आए हैं उनको जरा देख लीजिए। इस सूची में नरियावली SC सीट से सीताराम अहिरवार को टिकट दिया गया है, गोटेगांव SC सीट से प्रमोद कुमार मेहरा को टिकट दिया गया है, जिला कटनी विधानसभा बहोरी बंद से श्री पंकज मौर्या को टिकट दिया गया है, जबलपुर उत्तर से संजय जैन को टिकट दिया गया है, वहीं बालाघाट से विजय कुमार पटले को टिकट दिया गया है। इससे पहले पिछोर से चंद्रपाल यादव को टिकट दिया गया था, राजनगर से रामकुमार रेकवार को टिकट दिया गया था, विजय राघवगढ़ से शिव नारायण सोनी को टिकट दिया गया था, थांदला से तोन सिंह भूरिया को टिकट दिया गया था और पिटलावत से रामेश्वर सिंह सिंघार को टिकट दिया गया था। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड पहले भी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों में चुनाव लड़ती रही है और बेहतर प्रदर्शन भी रहा है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा भी प्राप्त है। हालांकि अब भी जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिल सका है, इसलिए लगातार जनता दल यूनाइटेड दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती रहती है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या जेडीयू की ये पूरी कवायद कांग्रेस में कहीं सेंधमारी तो नहीं कर देगी, क्योंकि मुकाबला कांटों का है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एज मिलता दिख रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी 2 लिस्ट जारी करने के बाद तीसरी की तैयारी कर रही है। अब देखना यह होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। पटना से शशिभूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।